तो दोस्तों जीमेल आजकल हम लोग सभी लोग यूज़ करते हैं, बट कुछ कुछ सेटिंग्स होता है जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए सो दैट वी कैन यूज़ इट मोर एफिशिएंटली। तो आज हम उसी पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो आई विल शो यू सच ट्रिक्स दैट यू शुड बी नोइंग इन ऑर्डर टू यूज़ योर जीमेल इफेक्टिवली। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आई कैन ब्रिंग सच वीडियोज़ टू यू। और उसके साथ लाइक दबा दीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। आप कहीं पे भी हो, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पे भी हो, प्लीज़ शेयर कीजिए अपना वीडियो। तो अगर आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ये आप अपना लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, जैसे हिंदी में हो या बंगाली में हो एंड नॉट इन इंग्लिश फॉर दैट मैटर, तो जीमेल में वो ऑप्शन है जहाँ पर आप वो लैंग्वेज सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ताकि आपका जो मेन जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे इनबॉक्स हो, स्नूज्ड हो, स्टार हो, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सोशल प्रमोशन अपडेट्स, तो ये सारे जो है अब तो ये आप उसी लैंग्वेज पे देख सकते हैं। तो हम लोग अगर वो सेटिंग में जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक द गियर बटन हियर। तो वंस यू क्लिक द गियर बटन, इसके बाद आप चले जाइए सी ऑल सेटिंग्स पे, और वहां से आपको दिख जाएंगे ये लैंग्वेज ऑप्शन जो आपका जनरल्स में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश के जगह पे आप इसको हिंदी में कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद नीचे से मैं जाके एकदम एक्सट्रीम एंड में जाके इसको मैं सेव चेंजेस में कर देता हूँ। करने के बाद जब आपका रिफ्रेश हो जाएंगे, तो आप उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो जैसे मैंने रिफ्रेश कर लिया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा आपका हिंदी में आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द लैंग्वेज। तो मेरा नेक्स्ट जो वाला ट्रिक था वो है कि अगर आपने कुछ टाइप कर लिए कंपोज पे, आपने ईमेल तैयार कर ली है, और हो सकता है कि आपका बॉस का फ़ोन आ गया या आपका स्कूल से फ़ोन आ गया, और आप उसी में आपने यू नो यू आर इन दैट एंग्रॉस्ड इन दैट कॉल, और आप गलती से आपने सेंड दबा दिए, तो आपने गलती से सेंड दबा दिया और आपने पूरा ईमेल कंप्लीट नहीं किए हैं, या तो हो सकता है कि आपका जो इंटेंडेड जो आपका रेसिपिएंट्स है उसको आपने ऐड नहीं किया है, गलती से किसी और को आपने सेंड कर दिए, तो उसमें से आप क्या करेंगे। तो जीमेल इसके लिए आपके लिए एक बहुत सा आसान सा तरीका दिए है, हो सकता है आपने देखे होंगे। तो वंस यू प्रेस सेंड, जीमेल विल गिव यू दैट ऑप्शन ऑफ अनडू, एंड वो सेटिंग्स होते हैं कि आपको जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 5 सेकेंड का होता है, तो अगर आप 5 सेकेंड में वो अंडू आप क्लिक कर देते हैं, तो आपका ये वापस से ये वाला ड्राफ्ट आपके लिए खोल जाएंगे एंड दैट ईमेल विल नॉट बी सेंड। सो लेट मी जस्ट शो टू यू। तो मैंने सेंड दबाया और इसमें से आप देख सकते हैं अंडू पे आ गया, और आपने अंडू पे क्लिक किया और आप देखते हैं वापस में ये आपका स्क्रीन ओपन हो गया। और अगर आप वो अंडू आपने क्लिक नहीं करेंगे तो जीमेल को पता नहीं चलेगा, तो जीमेल क्या करेंगे कि इट विल सेंड दैट ईमेल टू योर रेसिपिएंट्स एंड आफ्टर दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज दैट टाइम टिल द पॉइंट कि वो आपका वो जो अंडू है वो दिखाएंगे, तो हम वो भी आप देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, तो सेटिंग्स में हम जाके जनरल में जाएंगे, जनरल में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अंडू सेंड। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता रहा था ये 5 सेकेंड्स का ये डिफ़ॉल्ट है, तो आप इसको 10, 20 या 30 सेकेंड्स तक आप इसको रख सकते हैं, उतना टाइम तक वो आपका अंडू मैसेज वो दिखाएगा, और उसी के बाद ही वो जीमेल आप वो इंफॉर्मेशन वो ईमेल आपका सेंड करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर आपको जो आपका जो बॉडी में जो ईमेल बॉडी में जो वो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो अभी तक क्या होता है कि वो डिफ़ॉल्ट में आपका एक फॉन्ट दिखाते हैं, बट यू कैन गो अहेड एंड चेंज इट टू एनी फॉर्म यू लाइक। नाउ अगेन यू हैव टू बी इन सेटिंग्स, और सेटिंग्स में यहाँ पे जनरल ऑप्शंस में आपको दिख जाएंगे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल, तो यहाँ पे आप कोई भी आपका जो फॉन्ट आपको जो पसंद लगते हैं तो वह आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को सांस सेरिफ जो फॉन्ट है या वरदाना जो फॉन्ट है ये मेरे को अच्छा लगता है, तो आई कैन गो अहेड एंड सिलेक्ट दैट वरदाना एंड देन आई हैव टू जस्ट गो डाउन
हियर स्क्रोल डाउन एंड देन क्लिक सेव चेंजेस, और उसके बाद क्या होगा कि मेरा जो बॉडी का जो टेक्स्ट है वो उसी फॉन्ट में वो दिखाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों मेरा जो फोर्थ ट्रिक है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी आप कैसे सेट करें, और उसके साथ आप वो ईमेल जो आप सेंड कर रहे हैं उसको आप उसको सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कैसे करें, ताकि जिसको आप सेंड कर रहे हैं वो वापस से उस मेल को यूज़ ना कर पाए। तो इसका भी तरीका है जीमेल पे। आप जब कंपोज कर रहे हैं ईमेल को, आप ईमेल को कंपोज कर लीजिए, और उसके बाद नीचे में आपको एक छोटा सा ऑप्शन एक आइकॉन मिल जाएंगे जहाँ पे वो बोलता है टर्न कॉन्फिडेंशियली मोड ऑन और ऑफ, आप उसको क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे आपको सेट एक्सपायरेशन मिल जाएंगे, जहाँ से आप एक दिन हो, वीक, मंथ, कोई भी आपका पीरियड है, जितना तक वो ईमेल उसका जो इनबॉक्स में रहना है वो आप उसको सेट कर सकते हैं, और उसके बाद वो ईमेल अपने आप वैनिश हो जाएंगे। और इसके यही कंप्लीट नहीं है, इसके साथ जीमेल आपको और भी सिक्योरिटी देते हैं कि आप अगर इसको कॉन्फिडेंशियलिटी को सेव कर देते हैं इस पर्टिकुलर ईमेल पे, तो देन द रेसिपिएंट विल आल्सो नॉट बी एबल टू फॉरवर्ड दैट ईमेल, कॉपी दैट ईमेल, प्रिंट दैट ईमेल और इवन डाउनलोड दैट ईमेल। तो बहुत सिक्योरिटी है जब आप कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी को आप सेंड करना चाहते हैं। तो मेरा जो फिफ्थ वाला ट्रिक था वो है कि आप स्मार्ट कंपोज यूज़ कर सकते हैं जीमेल पे। वो बहुत ही आसान है, आपको शायद पता ही होंगे कि आप जब रिप्लाई कर रहे हैं तो जीमेल आप देख सकते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, तो मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ, हो सकता है कि आपको वो पता है। सो यू कैन यूज़ दैट एंड यू कैन ट्रेन जीमेल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द वे यू एक्चुअली रिप्लाई। तो इसी तरीके का बहुत सारा वीडियोस है जो आप देख सकते हैं, जो आपका स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको क्लिक करके देखिए, आपको हेल्प हो सकते हैं। और मैं जीमेल का, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं जीमेल का और एक एडिशन मैं आपके लिए लाऊंगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।